सरप्राइज, न्यू डे न्यू लुक न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ दिखलाने के लिए दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं का मकबरा। जी हाँ, ये ब्लॉग बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि इस मकबरे के साथ, यानी कि हुमायूं के मकबरे के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का। तो क्या है वो इतिहास, ये जानेंगे हम इस ब्लॉग वीडियो में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये ब्लॉग। वहाँ है पीछे मेन गेट, वहाँ से होते हुए हम आ गए हैं अंदर सिक्योरिटी चेक से होते हुए। और 40 रुपीज़ का टिकट है अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले बहादुर शाह जफर की। तो बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक हुए थे मुगल काल के, क्योंकि उनके बाद में जो है ब्रिटिश राज आ गया था, बहादुर शाह जफर ने अपने रहने के लिए मेहरौली में एक किला बनवाया था जिसको बोला जाता था जफर महल। आज की डेट में भी उसको जफर महल ही बोला जाता है। और उन्होंने अपने मतलब कब्र की जगह भी वहीं पर मुकर्रर की थी कि भाई मुझको जो है मरने के बाद में वहीं पर दफनाया जाए। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि 1857 की क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अंग्रेज़ उनसे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें अरेस्ट करने के लिए जगह जगह छापेमारी करनी शुरू कर दी। तो ऐसा बताया जाता है कि बहादुर शाह जफर यहाँ पर, यानी कि हुमायूं टॉम पर आकर उन्होंने शरण ली थी। लेकिन 20 सितंबर 1857 को मेजर विलियम हेडसन ने उनको यहाँ से अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर उनको अरेस्ट करने के लिए उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और यहाँ ऐसा बतलाया जाता है कि जो एक दीवार है उस दीवार को उन्होंने तोप के गोले से उड़ा दिया था और उसके बाद उनको यहाँ से अरेस्ट किया गया था। तो ये जगह मैं आपको यहाँ दिखलाने वाला हूँ। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है मेन रास्ता आने का। और ये आप देखेंगे, ये जो ये दीवार है इसको ऐसा बतलाया जाता है कि इसको मेजर विलियम हेंसन ने तोप के गोले से उड़वा दिया था बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं दिखलाता हूँ आपको। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है ये दीवार, कितनी मजबूत दीवार ये हुआ करती थी। उसको तोप के गोले से तुड़वा दिया गया था, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बहादुर शाह जफर जो दीवार के इस तरफ थे, यानी कि अंदर की साइड में हुमायूं टॉम में थे, और कैप्टन हेडसन जो कि दीवार के उस तरफ थे अपने कुछ साथियों के साथ। तो मेजर हेडसन ने बड़े ही शायराना अंदाज में बहादुर शाह जफर को ललकारा कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर अब खत्म हुई तेग हिंदुस्तान की, तेग यानी कि तलवार की धार। एक तरह से वो ललकार रहे थे बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर का जो रिप्लाई था उसे सुनकर कैप्टन हेडसन का खून खोल गया। बहादुर शाह जफर ने रिप्लाई किया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और हुआ भी यही, कैप्टन हेडसन का खून खोल गया और उन्होंने तोप चलाने का ऑर्डर दे दिया और तोप चलाकर इस दीवार को तोड़ दिया गया। दीवार के टूटने के बाद वो लोग यहाँ पर अंदर आ गए और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया। यहाँ से उन्होंने बहादुर शाह जफर, उनके लड़के और उनके पोते, उनको यहाँ से अरेस्ट किया। और यहाँ से अगर आपने खूनी दरवाज़ा देखा है दिल्ली में, तो खूनी दरवाजे पर ले जाकर उनके लड़के और पोते को गोलियों से भून डाला था और वहीं पर उनकी हत्या
हो गई थी। उसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में आजीवन बंद कर दिया गया था और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया था। लेकिन जो उनकी एक आखिरी इच्छा थी, उनकी आखिरी इच्छा थी कि हिंदुस्तान की सरजमी में उनको दफनाया जाए। अगर आपने मेहरौली में जफर महल आपने देखा है, वो उनका एक समर पैलेस हुआ करता था। मतलब वो जब वो गर्मियों में वहाँ जाते थे तो वहाँ पर अपना समय व्यतीत करते थे, तो वहीं पर उनके परिवार के और लोगों की भी कब्रें वहाँ पर बनी हुई हैं। तो उन्होंने वहीं पर एक जगह मुकर्रर की हुई थी कि अगर जब भी मेरा इंतकाल होगा तो मुझे यहाँ पर दफनाया जाए। लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन्हें वहीं पर, यानी कि म्यांमार में, वहीं पर उनको दफना दिया था। इंतकाल से पहले बहादुर शाह जफर के कुछ आखिरी शब्द कुछ इस तरह थे कि कितना बदनसीब है ए जफर, दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। कुए यार यानी कि हिंदुस्तान की वो धरती जिससे कि वो बहुत प्यार करते थे। तो ये था वो किस्सा जो जुड़ा हुआ था इस दीवार का बहादुर शाह जफर के साथ। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ और आगे आपको मैं दिखलाऊंगा अफसर वाला गुंबद और मस्जिद। तो चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे ये है बू हलीमा टॉम। बू हलीमा को सबने अलग अलग बताया है। किसी ने बताया था कि ये गार्डनर थी, किसी ने बताया था कि ये उनकी नर्स थी। तो ये उनका ये टॉम यहाँ पर बना हुआ है और सामने की तरफ हम देखेंगे तो ये बू हलीमा गेट, इस गेट को नाम दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बू हलीमा गेट। यहाँ से हम चलेंगे अंदर। इस बू हलीमा गेट से जब हम आते हैं तो हमारे राइट साइड में पड़ता है अरब की सराय वाला गेट। तो अरब की सराय वाला गेट मैं बताता हूँ आपको ये होता क्या है, क्योंकि इधर जो है, क्योंकि इसको बनाने के लिए, हुमायूं टॉम को बनाने के लिए उस टाइम पर अरब से, ईरान से, अफगानिस्तान से काफ़ी सारे कारीगर बुलाए गए थे। तो उनको रहने के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह बनाई गई थी उनके रहने के लिए। तो ये है वो अरब की सराय। ये मैं अभी आपको अंदर चलकर दिखलाने वाला हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये है ये गेट जिसे कहा जाता है अरब की सराय का दरवाज़ा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम चल रहे हैं अंदर। ये आप देखेंगे तो इसका जो डोम है, ऐसा बतलाया जाता है कि सन 2000 में शायद इसका ये डोम जो है गिर गया था। यहाँ से हम चल रहे हैं आगे की तरफ। देख सकते हैं कि ये जो डोम जो है पूरा गिर गया है, खराब हो गया है। और यहाँ पर जो उस टाइम के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनके लिए ये कमरे बनाए गए थे। और ये है, इसे कहा जाता है अरब की सराय। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस अभी मैं दिखलाने वाला हूँ आपको अरब की सराय। और ये आप देखिए, तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये है ये अरब की सराय। ये देखिए आप, तो गाइस अरब की सराय से निकलकर मैं आ गया हूँ यहाँ पर। और अब मैं दिखलाने वाला हूँ आपको अफसर वाला गुंबद। यहाँ पर एक अफसर वाला गुंबद है और एक है यहाँ पर मस्जिद, जिसमें कि जुम्मे के जुम्मे ही यहाँ पर नमाज अदा होती है। तो चलते हैं ऊपर और मैं दिखलाता हूँ आपको अफसर वाली गुंबद और ये मस्जिद। तो ये आप देखेंगे, ये इसके ये स्टेप्स। तो गाइस ये आप देखिए, ये है ये मस्जिद। ये आप देखिए, तो ये है अरब की सराय और ये है यहाँ पर ये मस्जिद। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है इसका ये मेन मेहराब और ये इसमें ये तीन मेहराबदार गेट हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मस्जिद के अंदर चलते हैं। तो गाइस ये है इसका मिंबर, यहाँ पर जो है जुमे के जुमे खुतबा होता है यहाँ से। तो यहाँ से आप, मैं एक बार आपको पूरे दिखला देता हूँ।
ये इधर जाके निकल जाती है अरब की सराय में इधर, और ये आप देखिए ये इसका मेन गुंबद, ये आप यहां से देख सकते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये है ये मस्जिद जो हुमायूं टॉम के अंदर बनी हुई है। यहां पर मैं आपको बतला दूं कि जुम्मे की नमाज की परमिशन है यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहां पर सिर्फ जुम्मे की नमाज ही अदा होती है। फिलहाल मैं चल रहा हूं और आपको दिखलाने वाला हूं अफसर वाला गुंबद, तो ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखलाने वाला हूं अफसर वाला गुंबद। जी हाँ, अफसर वाला गुंबद क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बनाने के लिए उस टाइम जो कारीगर आए हुए थे, उनके जो ऑफिसर्स थे, उनकी यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। तो ये मैं आपको यहाँ दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस ये हम आ गए हैं यहाँ पर, ये देखिए ये है अफसर वाला गुंबद, जहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है तीन कब्रें हैं, जिनमें से दो मेल की हैं और एक फीमेल की है। कब्रों की पहचान में अगर आपको बतला दूं तो ये आप देखेंगे ये लाइन, ये जो है मेल कब्र पर होती है, ये आप देख लीजिए है ना, ये मेल कब्र है दोनों, और जबकि ये जो है एक ये फीमेल कब्र है, ये आप यहां से देख सकते हैं, क्योंकि फीमेल कब्र का ये डिजाइन अलग होता है और उसके ऊपर आयतल कुर्सी लिखी होती है, ये आप यहां से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस मकबरे को बनाने के लिए ईरान से, तुर्क से, अफगानिस्तान से, काफ़ी अलग अलग जगहों से कारीगर बुलाए गए थे। तो उनमें से जिन लोगों का इंतकाल काम करते हुए हो गया, तो उन लोगों की कब्रें भी यहाँ पर बना दी गई थी। तो जिनमें से ये तीन कब्र ये आप यहाँ देख सकते हैं, जिसको कहा जाता है अफसर वाला गुंबद। तो गाइस इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 150 से ज्यादा कब्रें हैं, एक तरह से हम इसको मुगलों का कब्रिस्तान भी बोल सकते हैं। तो गाइस इससे आगे हम चलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि जो ब्लॉग है वो काफी लंबा हो जाएगा आई थिंक। तो आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखलाई वो दीवार, ये अफसलवारा गुंबद और ये मस्जिद। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को मैं करता हूं एंड, होपफुली ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।